नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ की लालगंज तहसील के जमुई गांव के ग्रामीण आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र डीएम को सौंपा। गांव की महिला सरोजा पूनम आज महिलाओं ने मीडिया को बताया कि वे कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं जैसे आवास, शौचालय, रास्ता आदि के लिए ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत कर चुके हैं, फिर भी उन्हें अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। ग्राम प्रधान लगातार उन्हें आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर आए ग्रामीणों ने जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाओं को सरकार द्वारा मुहैया कराने की मांग की है। इस दौरान क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने आपको सुनवाते हैं। हम लोग के कॉलोनी ना मिला था, न राशन मिला था, न संडास करक मिला था। लाइटन दूसरे के खेत में जाते सब गाड़ी देते हैं, मारते हैं, ये कुल दिक्कत हमने खेब। प्रधान क्या कर प्रधान कॉलोनी के सुना सुना के हमने के बका बका के कि खा जाता हम देते नहीं। क्या चाहते हैं? तो हम लोग के ये कॉलोनी चाहिए, शौचालय चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, ये को ना मिला। हमने के रहा कि ठिकाना ना, न खेती, न बाड़ी, कुछ ना। आज डीएम साहब से मिले नहीं मिले दिए। हमने का खेती बाड़ी ना, हमने का 10-20 खेत में पड़ जाते, अपन बहुत जोता तो लेकिन गम तना देते हैं, ना सड़क ना आना जाना का कुल का रुकावट है। आदमी मजूर धर के अपना करते हैं, खाते हैं, रहते हैं, और कुछ काट काट के तो मरे इच्छा तो ना कानून नहीं ना देते हैं प्रधान। हमने कुछ ना मिले, आवास ना मिले, ना हमने का राशन ना मिले। तो हाँ चाहता हमने कि एक साहब हमने कि कॉलोनी मिल जाए, हमने कंधे का दूठ रहा है बंदा। हमें अपने प्रधान से कहो, कॉलो प्रधान का तो कहते हैं, प्रधान यहाँ तो कॉलोनी बस खा जाता है।